वो पृथ्वी का गोला इधर ही तो आया था, पर दिख नहीं रहा, कहां गायब हो गया? लूथरा हाउस नहीं है, ये पागल हाउस है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस पागल खाने में हो क्या रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन से पागल के साथ कौन सी पागलपंती होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या वो लालची लोमड़ी मोनिशा उस न्यू आंटी सोफिया की शादी उस गिल्ली डंडा प्लेयर करण लूथरा से होने देगी या नहीं होने देगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सोफिया मोनिशा पर भारी पड़ जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मोनिशा किसी भी हाल में लूथरा से बदला लेना चाहती है, जिसके लिए उसे करण लूथरा से शादी करनी पड़ेगी, मतलब करनी ही पड़ेगी। कम ऑन मोनिशा, कम ऑन, शादी से बैकआउट मत करना, चाहे जो हो जाए शादी से बैकआउट मत करना। तुम्हारा चेहरा आपको जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या हम पहले भी कहीं मिले? हम नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट आई थिंक सो। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये जो चेहरा है ना, ये बहुत फैमिलियर है। कोई भी नया इंसान मुझे देखता है ना, तो उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है। सो वैसा ही हुआ होगा, That's what I think so. चेहरा तो याद है और मिले भी, लेकिन कहां मिले हैं ये याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको याद आ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं यहीं पर हूं। और अगर नहीं भी याद आए ना तो भी बताना भूलिएगा मत, मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद। सबके चेहरे बता रहे हैं, सब ने मान लिया कि सोफी और मैं रिलेशनशिप में थे। पता नहीं वो मोनिशा सोफिया को क्या पट्टी पढ़ा रही है, आई क्यों नहीं है अभी तक। मोनिशा सोफिया का मुंह तोड़ रही होगी, उसे चली कटी सुना रही होगी। सोफिया ने मोनिशा की शादी के प्लान पे पानी जो फेर दिया, उसका प्लान बर्बाद जो कर दिया। बेचारी मोनिशा, कितने सपने देखे होंगे उसने अपनी शादी के लिए। और बेचारी अबला नारी, उसकी होने वाली पर अब ना होने वाली शादी को श्रद्धांजलि। भगवान उसकी ना हुई शादी को शांति दे। वैसे सच कहूं मम्मी जी, मुझे ना सोफिया से तो बिल्कुल शांति नहीं है, लेकिन क्या करें, मेरी करण की औलाद उसके कोख में पल रही है और उसकी औलाद को बेपिता तो नहीं कर सकते ना, इसलिए मुझे सोफिया पसंद है बहू के रूप में। मुझे सोफिया पसंद है, हाँ, लेकिन सच कहूँ मुझे तो मोनिशा भी बहुत पसंद है। अगर उसकी शादी मेरे करण के साथ हो जाती तो कितना अच्छा होता, बहुत ही प्यारी बच्ची है ना मम्मी जी। मॉम, मोनिशा भी करण के क्यूट क्यूट बेबीज की मॉम बन सकती है ना? मेरी प्यारी मोनिशा, मेरी प्यारी मोनिशा, मेरी प्यारी मोनिशा। इस पागल खाने में 100% कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। कितना प्यार टपका रहे हैं ये लोग मोनिशा पर, इनका बस चले ना तो ये लोग मोनिशा को ही टपका दे। मेरी प्यारी मोनिशा, मेरी प्यारी मोनिशा, मेरी प्यारी मोनिशा, फेक कहीं के। हमारी प्यारी मोनिशा। वाह, इतना प्यार है ना आपको मोनिशा से, तो करण से उसकी शादी क्यों तोड़ रहे हैं? अब तक इसकी आंखों से चाशनी टपक रही थी और अब इसकी आंखों से अंगार क्यों टपक रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। झूठे हो आप सब, मुझे बताया क्यों नहीं कि करण ने क्या किया बेचारी मोनिशा के साथ? क्या करण, तुमसे मैंने बहुत प्यार किया और तुमने क्या किया? अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया, माफ करना। आज शादी तो जरूर होगी, लेकिन करण और मोनिशा की।
मॉम शादी हो रही है। वो मैंने सोफिया को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई ना, तो इसने कहा कि करण की शादी तो मुझसे ही होनी चाहिए, है ना करण? कंग्रेचुलेशन। ये लो, कलीरे की रस्म पूरी कर लो और करण को अपना बना लो। ये लो, पकड़ो। ये कलीरे तुम्हें पहनाने थे ना मुझे पंडित जी? जी। कलीरे पहनवाइए ना। आइए। चले। माइंड शैटरिंग। करोड़ों डायने मरी होंगी तब जाके ये एक चालाक लोमड़ी पैदा हुई होगी। लाडले बेटे की शादी और चारों तरफ महातम है, इनका यही महातम तो मेरी खुशी है। करो, जितना महातम मनाना है मनाओ, मैं तो शादी कर रही हूँ। कंग्रेचुलेशंस टू मी। अभी तुम थोड़ा सा आराम कर लो मेरी होने वाली बहू, अब तुम बेटर फील करोगी। मम्मी जी, आई एम ऑलरेडी फीलिंग बेटर। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तो आज इस घर की बहू बन जाऊंगी ना, और खासकर आपकी आपकी बहू बन जाऊंगी। दादी, आपको याद है कि कुछ टाइम पहले आपने कितने प्यार से और कितने जोर से मुझे हग किया था? मोनिशा, दादी जी, मैं दम घुट रहा। बस, मैं वैसा ही हग आपको आज करना चाहती हूँ। नहीं नहीं पुत्र, आज नहीं, आज मेरा दिल भरा हुआ है। हाँ। तो क्या हुआ दादी? आपको भी तो पता चले कि मेरे दिल में आपके लिए कितना प्यार भरा हुआ। करने दीजिए ना। नहीं नहीं। मम्मी जी, अपनी मम्मी जी को बोलिए ना कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे एक हग करने दे प्लीज। बेटा मोनिशा, बेटा फिर कभी हग कर लेना, नहीं भी जल्दी क्या है। क्यों, आज क्यों नहीं? अच्छा भाई, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है जितने प्यार से आपने मुझे उस दिन हग किया था उतने ही प्यार से मैं भी आज आपको हग करूंगी? नहीं नहीं मोनिशा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। वो हाँ, वो दरअसल बात ये है कि आज मम्मी जी का गले ना लगने का व्रत है, है ना मम्मी जी? वो सन्यासिन व्रत, आज मम्मी किसी को गले नहीं लगा सकती वरना व्रत टूट जाएगा। हाँ पुत्र, टूट जाएगा। Correct. Oh, I love you. Oh.
मोनिशा मामी को छोड़ो तुम। मोनिशा मामी को छोड़ो। मम्मी जी आप ठीक तो है ना? बहुत दर्द हो रहा है। आपके हाथ है या हथौड़े? इतनी जोर से गिरा दिया, आप तो बड़ी खतरनाक वाली सासू माँ बनेंगी। और दादी आप तो बड़ी भयंकर वाली दादी सास बनेंगी। शादी से पहले धक्का वक्का मारना शुरू कर दिया, शादी के बाद तो आप लोग मेरा कचूमर बना देंगे ना? कितना टॉर्चर करेंगे। यू नो व्हाट, आई लव दिस करी। ये इंसान की ना तकदीर बदल देती है। कितने प्यारे हैं ना मम्मी जी। अब आप एक काम कीजिए, गॉसिप तो बहुत सारी होगी, अब आप लोग जाइए। ठीक है, बाय बाय। मम्मी जी चलिए। अभी गिर जाती हैं आप। मैंने आपको संभाल लिया। मैं वो बला हूं जो चाहूं तो गिरा भी सकती हूं, और अगर चाहूं तो उठा भी सकती हूं। और मम्मी जी आपको याद है आपने मुझे करण की कुंडली के बारे में बताया था? आपने मुझसे कहा था कि करण की कुंडली में ऐसा लिखा है कि अगर उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई जो उससे सच्चा प्यार करती है तो उसके हाथों से खून हो सकता है। अब मैंने सोचा कि सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ लिखा है, तो क्यों ना मैं भी अपनी कुंडली निकलवा लूं। आप लोग जानते हैं कि मेरी कुंडली में क्या निकला? क्या? अगर मैं इस घर में बहू बन के आई और इस घर के लोगों ने मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया और मेरा साथ नहीं दिया तो मेरे हाथों में एक सेकंड खून नहीं लिखा है। मेरे हाथों में तो ये लिखा है कि मैं जीना हराम कर दूंगी। हाथों में ऐसा लिखा है। जाइए, चलिए मम्मी जी। क्या प्लान बनाया तुम लोगों ने? क्या प्लान बनाया? मैंने तुम लोगों से कहा था कि मुझे मोनिशा से बचा, मुझे ये शादी नहीं करनी, और तुम लोगों ने सोफिया को इंक्लूड कर दिया। और बेकार प्लान बनाया। क्यों? नहीं करा। ये प्लान ऋषभ जी ने नहीं बनाया था, मेरा था। तुम्हारा प्लान था? तुम नहीं, प्लानिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दो। ओके, तुमसे प्लान नहीं बनते। ओके, तुम ना मुझे इधर का छोड़ती हो ना उधर का छोड़ती हो। एक बार बताओ, अगर मैं मोनिशा समझता तो मुझे सोफिया कैच कर लेती, सोफिया समझता तो मुझे मोनिशा कैच कर लेती। आउट तो मैं ही होता ना, जो भी कैच करे। अरे मुझे उससे कैच कराओ जो मेरी टीम का हो यार। कोई शादी का क्रिकेट खेलना बंद करेगा, सीधे सीधे नॉर्मल तरीके से बताना ताकि नॉर्मल इंसान को समझ में आए। अच्छा, नॉर्मल तरीके से समझाऊं तुम दोनों को? यहाँ मैं खुद एबनॉर्मल पर हूं और तुम लोगों को मैं नॉर्मल तरीके से समझाऊं। कल मेरी हल्दी की रस्म हो गई, अभी थोड़ी देर पहले मेरी चूड़ा और कलीरे की भी रस्म हो गई, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़ी देर बाद मेरी शादी भी हो जाएगी। जब तुम लोग कर क्यों रहे हो? मैंने तुम लोगों से कहा था मुझे शादी से बचाओ और तुम लोगों ने मुझे शादी में और धकेल दिया। मैंने क्यों कर रहा है यार? तू रुक, हम लोग सोच रहे हैं, तू रुक तो सही। सोचो सोचो और सोचते ही रह जाओगे तुम लोग। तुम देखना, वो मोनिशा नाम की चिड़िया ना इस गुड लुकिंग कबूतर को साथ में उड़ा कर ले जाएगी। मैंने तुम लोगों से कहा था मुझे शादी से बचाओ, मुझे मोनिशा से बचाओ यार। बिल्कुल डर मत, हम तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे करण। गलती मेरी है कि मैंने अपनी लाइफ तुम लोगों के हवाले कर दी। मुझे लगा तुम लोग मेरे लिए कुछ करोगे। नहीं, मैं तो भूल गया था कि वो मोनिशा है मास्टर प्लानर, प्लानिंग की मास्टर, और तुम सब लोग उसके सामने जीरो हो, जीरो। बस कंट्रोल योर सेल्फ करण, जस्ट काम डाउन यार। शादी के बाद तो सब कुछ काम होने ही वाला है, राइट? और तू कंट्रोल की बात कर रहा ना, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, सब कुछ। ये शादी, ये लड़की, मैं, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। उस लड़की की नफरत मेरी बलि ले लेगी, मैं मोनिशा के शादी करके यार वो मुझे पपेट बना के रखेगी, मैं क्या करूंगा यार? वो मेरी बलि ले लेगी यार, मैं क्या करूं? चुप हो जाओ, इधर देखो, मुझे देखो। उस लड़की की नफरत हमारे प्यार से बढ़कर नहीं है। कह भी दोनों दिल के राज हुआ मुझे, न जाने क्यों ये एहसास। करण, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो बन पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन तुम्हारी शादी मोनिशा के साथ नहीं होने देंगे। ओके,
और वैसे भी तुम्हें मुनीशा के चंगुल से निकलवाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कह भी गुना दिल के राज हुआ मुझे, न जाने क्यों ये एहसास। करण को बचाना आप के लिए What do you mean by that? I mean, हम सबके लिए बहुत। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? मेरे लिए चाहिए। तुमने क्या देखा उसकी आंखों में? क्या देखा तुमने जब वो मुझे घूर रही थी? वही देखा जो मेरी आंखों में था ऋत्विक के लिए, उसकी आंखों में भी वही देखा तुम्हारे लिए, जैसे कि तुम उसकी जिंदगी हो। बहुत बदले लेने हैं मुझे तुमसे, भूल गए कितना परेशान किया तुमने मुझे? एक एक परेशानी का बराबर से बदला नहीं ले लिया ना तो मेरा नाम की प्रीता अरोड़ा नहीं। और अगर मुनीशा ने तुमसे शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? कैसे लूंगी तुमसे बदले? इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो नहीं। मेरे कहने का मतलब है प्रीता अरोड़ा, अगर तुम चाहती हो कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो ना, तो अपना पीछा उस दाढ़ी वाले बकरे से छुड़वाओ, ना तुम्हें साथ ले जाएगा वो शादी करके। उसके बाद तुम मेरे पास आओगी। करण, अब तो मेरी शादी हो गई, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे भूल जाओ। फिर बदला क्या, तुम खुद बदल जाओगे और तुम्हें मुझे भूलना पड़ेगा, समझी मिस प्रीता अरोड़ा? एक मिनट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर हेलो मिस्टर, मैंने बहुत सोचा, याद नहीं आ रहा है कि हम कहाँ मिले थे, पर ये तो श्योर है कि हम मिल चुके हैं। क्या इंस्पेक्टर, आपने मेरी बात को इतना सीरियसली ले लिया? वही जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको याद नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ मिले थे। हम पुलिस का एकेडमी में मिले थे। पुलिस एकेडमी में? क्या तुम भी? हाँ, मैं भी था पुलिस एकेडमी में। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि हम किसी ऐसी जगह में मिले थे, पर कहीं मिले थे। कहाँ? यही तो याद नहीं आ रहा है। सर, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? टेक इट इजी, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूं, मैं प्रेजेंट में जीने वाला इंसान हूं, तो प्रेजेंट में एक नई जान पहचान कर लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन। देखिए, आप जिसके घर में खड़े हैं ना, कि लूथरस, लूथरस का फैमिली फ्रेंड हूं मैं, और आप तो जानते हैं कि लूथरस का एक स्टेटस है और उनके दोस्तों का भी। वैसे तुम बता सकते हो कि किस एकेडमी में और कहां मिले थे? मप्पो, मुंबई पुलिस, मुंबई पुलिस एकेडमी 2012 बैच। जय हिंद सर। ओके